शाखों से पत्ते गिरे तो कचरे में चले जाते हैं, सलाखों से निकलने को आज हम आजादी बताते हैं, आज हम आजादी बताते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया। आज क्या हम आजाद हैं विषय पर अपने विचार लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आजादी वह भाव जो इंसान को अत्यधिक प्रिय है। आजादी का अर्थ आज एक इंसान के लिए केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करने तक सीमित रह गया है। पर आज एक इंसान सपने देखता है अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करने का, अपनी हर इच्छा को पूरी करने का। पर क्या इंसान की इच्छाओं का कोई अंत है? अगर आप मुझसे पूछें तो गलत है आज़ादी की यह परिभाषा, क्योंकि यह सीमित है इंसान की अपनी इच्छाएं पूरी करने की आशा। आज़ादी का वास्तविक अर्थ तीन अवस्थाओं में समाहित है: शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक आज़ादी, अर्थात तन मन एवं धन की आज़ादी। आज मुझे यह कहते हुए काफ़ी खेद है कि हम तीनों रूप से गुलाम बनाए जा चुके हैं। अगर मैं बात करूँ शारीरिक गुलामी की, तो हर सुख सुविधा खरीदने की या इंसान तेरी चाह, नजरें उठा के देख खोल रही तेरे लिए गुलामी का राह, अर्थात हर इंसान आज हर सुख सुविधा को खरीदना चाहता है। परंतु विडंबना यहाँ है मान्यवर कि वह मेहनत नहीं करना चाहता, वह परिश्रम नहीं करना चाहता, उसे सब कुछ चाहिए आज बिना संघर्ष किए। इसके अलावा आज हमारा खान पान आधुनिक हो चुका है, यही कारण है कि आज हर घर में बीमारियां हैं, आज हर घर बीमार है। अगर मैं बात करूं मानसिक गुलामी की, अर्थात विचारों की गुलामी या कहिए मन की गुलामी, तो हम सब एक ही खुदा के बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म, जाति, लिंग आदि की बेड़ियों में कुछ इस प्रकार फंसे हुए हैं कि उनका लगभग निकलना नामुमकिन सा हो गया है। एक ही खुदा के बनाए हुए एक ही मिट्टी में मिल जाना है, क्यों श्रेष्ठ समझना खुद को, बस इंसानियत का धर्म तुम्हें अपनाना है। इसके अलावा शायद मेरा एक छोटा सा उदाहरण आप तक मेरी मानसिक गुलामी की बात पहुंचा दे। मानव जीवन का एक वह आविष्कार जो दुनिया को हर प्रकार का ज्ञान देने की क्षमता रखता है, आज एक अभिशाप से बढ़कर कुछ नहीं रह गया है। जी हाँ, मानसिक गुलामी अर्थात स्मार्टफोन्स की गुलामी। अभी हाल में ही मैंने कहीं पढ़ा था कि आज का युवा जाग चुका है, अब वह उठेगा, ब्रश करेगा और 2 GB डेटा को ख़त्म करेगा। जी हाँ, कड़वी है पर सच्चाई है कि आज के युवा का उद्देश्य इससे ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। अगर हमें प्रगति चाहिए तो इन मानसिक गुलामी को छोड़ना होगा, विचारों की सारी बेड़ियों को अब हमें तोड़ना होगा, अब हमें तोड़ना होगा। आइए अब मैं बात करती हूँ शारीरिक गुलामी के बीच से पनपे एक पौधे, जी हाँ आर्थिक गुलामी की। जैसा कि मैंने पहले अपने वक्तव्य में जिक्र किया कि आज का युवा मेहनत नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता, अंततः क्या होता है, गरीबी दरवाज़ा खटखटाती है, भुखमरी दरवाज़ा खटखटाती है। इसके अलावा देश पर होते असंख्य हमलों की भी यही वजह है, इंसान की बिना कुछ किए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की लालसा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालसा, जो उसे गद्दारी की तरफ ले जा रही है। खून खोल उठता है साहब यह मंजर देख, अपनों के हाथों में अपनों के लिए खंजर देख। अंत में मैं आपसे यही विनम्र अनुरोध करना चाहूँगी कि इन सारी गुलामियों को छोड़ें, इन सारी गुलामियों को छोड़ने का अथक प्रयास करें। अगर हम इन गुलामियों को छोड़ने का प्रयास करें तो आज़ादी हमसे दूर नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।